हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं रिक्रूटमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट्स लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हम जानते हैं इस पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट में हम जानेंगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, क्या एज लिमिट रिक्वायर्ड है। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या पोस्ट है। देखिए, इसमें जो पोस्ट अवेलेबल है वो है काउंसलर फॉर FLCC अटेंडेंट सब स्टाफ फॉर RSETSI इंस्टीट्यूट फैकल्टी एंड ऑफिसर्स असिस्टेंट डेप्यूटी जनरल मैनेजर पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल हैं वो है 5, यानी कि 5 वैकेंसीज इस पोस्ट में अवेलेबल है। आइए दोस्तों, इनके बारे में नीचे डिटेल वाइज बात करते हैं। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 16 जनवरी 2023, यानी कि 16 जनवरी 2023 इस पोस्ट को अप्लाई करने की लास्ट डेट है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, नेम ऑफ पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं हमारी टेबल में। आप ये टेबल हमारी ऑफिशियल वेबसाइट studycafe.in से देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। आप जैसा कि देख रहे हैं, इसमें जो पोस्ट है वो है FLCC के लिए 1, अटेंडेंट सब स्टाफ के लिए 1, फैकल्टी के लिए 1, ऑफिस असिस्टेंट के लिए 1, डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए 1, और जो नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं 5 हो गए। ठीक है दोस्तों, एज की बात करेंगे तो एज हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। जैसा कि आप देख रहे हैं, FLCC के लिए लेस देन 65 ईयर्स विद साउंड हेल्थ, अटेंडेंट सब स्टाफ के लिए मिनिमम 18 साल से लेकर 35 ईयर्स। ठीक है, फैकल्टीज़ के लिए जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो होगी मैक्स लेस देन 40 ईयर्स। ठीक है, विद साउंड हेल्थ डिजायरेबल एज हो सकती है इनकी 22 मिनिमम और 40 मैक्सिमम। ऑफिस असिस्टेंट की बात करेंगे तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट की जो एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो मैक्सिमम 35 ईयर्स विद साउंड हेल्थ। डेप्यूटी जनरल मैनेजर की जो मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड है वो है 50 ईयर्स। क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वालिफिकेशन जो FLCC के लिए रिक्वायर्ड है, देखिए, कैंडिडेट शुड हैव ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ UG रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है, फॉर अटेंडेंस सबके लिए देखिए, कैंडिडेट शैल बी 8th स्टैंडर्ड पास, फॉर फैकल्टी MSW इन रूरल डिपार्टमेंट और साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी फ्रॉम द BSc इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट्स है क्वालिफिकेशंस की। फॉर ऑफिस असिस्टेंट के लिए देख सकते हैं आप, द कैंडिडेट शैल हैव बी अ ग्रेजुएट BSW BA BCom विद अ कंप्यूटर नॉलेज। फॉर डेप्यूटी जनरल मैनेजर, द कैंडिडेट शुड हैव अ डिग्री इन लॉ, 3 ईयर्स और 5 ईयर्स के कैंडिडेट्स का लॉ का प्रोग्राम होना चाहिए कैंडिडेट्स का। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो एक्सपीरियंस आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट इस आर्टिकल में देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइडेड है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर हर पोस्ट के लिए अलग अलग है। देखिए, फॉर FLCC के लिए, द एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर एन पर्सनल इंटरव्यू एंड अ डिस्कशन ऑफ अ बैंक इन अ रिगार्ड शैल बी फाइनल, यानी कि आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, उसके बाद बैंक डिस्कस करेगी, उसके बाद ही आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे। देखिए, अटेंडेंस सब स्टाफ के लिए भी सेम, और फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट के जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है, द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि इनको भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो देखिए, हर पोस्ट के लिए जॉब लोकेशन अलग अलग है। देखिए, FLCC के लिए है जलालपुर, सारण, चंपारण इन हजारगंज, सिवान सेंटर इन बिहार, यानी कि बिहार में इनकी पोस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की। अटेंडेंट के लिए महाजनगंज, गोपालगंज बिहार में। इंगेजमेंट फैकल्टी ऑफ एंड ऑफिसर्स के लिए इनको होगी जलालपुर, सारण में, और डेप्यूटी जनरल मैनेजर के लिए होगी इनकी सेंट्रल ऑफिस में मुंबई में। एलिजिबिलिटी क्या है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है? देखिए, अप्लाई आपको इस लास्ट डेट से पहले पहले करना है, 16 जनवरी 2023 लास्ट डेट है इस पोस्ट का दोस्तों, इससे पहले पहले आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। देख सकते हैं फॉर काउंसलर के लिए क्या क्वालिफिकेशन, आपको अपना एप्लीकेशन इस एड्रेस पे सेंड करना होगा प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। आप हर पोस्ट के लिए यहाँ से क्वालिफिकेशन के साथ साथ एड्रेस भी देख सकते हैं। प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेंड करेंगे विल रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये एड्रेस मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, आपको इस एड्रेस पे अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना है। आप हमारे यहाँ से हर पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, आप नोटिफिकेशन दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये FLCC का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 7 पेज का। आप ये नोटिफिकेशन हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इसमें साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा, आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म और विद फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे सेंड करना है उस एड्रेस पे, जो कि मैंने आपको हाईलाइट करके दिखाया था। ठीक है दोस्तों, आप साथ ही साथ हर पोस्ट के लिए ऐसे ही देख सकते हैं हमारे इस नोटिफिकेशन को, और सब हर पोस्ट में आपको नोटिफिकेशन के साथ साथ इनका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये फैकल्टी और ऑफिस असिस्टेंट के लिए इनका एप्लीकेशन लेटर आप लास्ट में देख सकते हैं, ये रहा। और ये डीजीएम के लिए यानी कि डायरेक्टर जनरल मैनेजर के लिए आप ये देख सकते हैं, लॉ फील्ड के लिए इनका क्वालिफिकेशंस के साथ साथ इनके एप्लीकेशंस भी दी गई है। ये देखिए दोस्तों, इनके साथ एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको यही फॉर्म आपको इनको मेल करना है, और मेल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको इनके एड्रेस पे भेजना होगा, जो कि एड्रेस मैंने आपको हाईलाइट करके सभी पोस्ट के दिखाए हैं। ऐसे ही रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, और हमें फॉलो कर सकते हैं गूगल न्यूज़ पे, ठीक है दोस्तों। और साथ ही साथ आप हमारा सर्टिफाइड कोर्स भी ले सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, इसमें आपको सर्टिफाइड कोर्स कराए जाएंगे स्टॉक मार्केट्स के, सेप के बिजनेस कम्युनिकेशन के सर्टिफाइड कोर्स कराए जाएंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ रिक्रूटमेंट से जुड़ी जानकारी जानने के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके, कमेंट करके और शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू।